हेलो एवरीवन, वेलकम टू कह रहे सकते शॉर्ट। कह रहे सकते शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर इंटरव्यू के प्रिपरेशन में एक टॉपिक और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खबर अभी हाल ही की नहीं है, थोड़ी सी पुरानी है। बट पुरानी के साथ साथ ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली है, और इसके बारे में भी आपके इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ये एक आपका मिशन रहा है, चंद्रयान मिशन 2, तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ज़रूरी जानकारी, कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस हम आज यहाँ करने वाले हैं। तो मेनली जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी उसी से आपको कई सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ के लिए जो है बेनिफिशियल होगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। चूँकि बात कर रहे हैं हम चंद्रयान मिशन 2 की, तो उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं चंद्रयान मिशन 1 की। तो चंद्रयान मिशन 1 लॉन्च कब हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था आपका 22 अक्टूबर 2008 में। याद रखिएगा, चंद्रयान का जो मिशन 1 था, यानी कि पहला मिशन था, वो लॉन्च हुआ था 2008 में 22 अक्टूबर को। सेकेंड थिंग ये है कि चंद्रयान 1 किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था PSLV C11 के जरिए। ठीक है, PSLV C11, और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है चंद्रयान मिशन 2 से। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले से कि चंद्रयान मिशन 1 जो है वो लॉन्च हुआ था आपका 22 अक्टूबर 2008 को, लेकिन चंद्रयान मिशन 2 जो कि लॉन्च हुआ था आपका 22 जुलाई 2019 को अपराह्न 2:43 पर। ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 2019। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 2 को भारत के किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है GSLV Mark 3 M1 से। ठीक है, GSLV Mark 3 M1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रयान मिशन 2 किस संस्था ने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था इसरो ने, और इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसरो के वर्तमान चेयरमैन है K सिवन, और K सिवन में के का नाम जो है, यानी कि जो K सिवन का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो वो है आपका कैलासा वादिवो सिवन। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 को कहाँ लैंड करना था, यानी चंद्रयान 2 को लैंड कहाँ पे करना था? तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसे लैंड करना था। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 के रॉकेट में कौन सा ईंधन इस्तेमाल हुआ था? तो ये जो ईंधन था उसका नाम था UDMH, और इसका फुल फॉर्म होता है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देखो कुछ और जानकारी भी है कि दिनांक 7 सितंबर, यानी कि 7 सितंबर 2019 को रात्रि 2 बजे चंद्रमा के धरातल से 2.1 किलोमीटर ऊपर विक्रम लैंडर का इसरो से संपर्क टूट गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कितने किलोमीटर ऊपर जो है इसका संपर्क जो है वो इसरो से टूट गया था। तो ये है 2.1 किलोमीटर ऊपर। नेक्स्ट है चंद्रयान मिशन 2 की महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो चंद्रयान मिशन 2 की महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं M वनिता और ऋतु करीधल। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो ये जो है आपका चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बनना था, या फिर भारत को दुनिया का कौन सा देश बनना था? तो ये चौथा देश बन जाता अगर इसकी सफल लैंडिंग हो जाती तो। नेक्स्ट है चंद्रयान मिशन 2 के भाग कौन कौन से थे? तो चंद्रयान मिशन 2 के भाग थे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, चंद्रयान मिशन 2 के रोवर का क्या नाम था? तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन लगे थे? तो चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में 54 दिन लगने थे। ठीक है, और 54 दिन लगे थे। ठीक है, उसके बाद से जब वहां पहुंचने के थोड़े समय पहले ही जो है चंद्रयान का संपर्क जो है वो टूट गया था इसरो से।
ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, और इसी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी कवर हो चुकी हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं चंद्रयान टू टॉपिक के लिए। सो आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल होगा आपके सभी एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू के लिए, और खासकर जिस बच्चों का इंटरव्यू जो है अभी UPSSC स्टेनोग्राफर का है उनके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।